तारिक साहब, जनाब अहमद साहब, आजम साहब, जैसा कि मैं कोयटा में मौजूद हूँ, कोयटा में आप देख रहे हैं कि इवन प्रोग्राम गोल्डन जुबली के हवाले से मेल फीमेल का बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था और आज इसकी इख्तिताम थी, जिसमें हमारे साथ बॉक्सर समीला काकर साहब साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे वो हमें क्या बताएंगे आज के जो बेहतरीन और कामयाब जो प्रोग्राम हुआ है, इस हवाले से सर हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे चैम्पियनशिप को कामयाब कराने में हमारा साथ दिया। देखिए जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक टास्क मिली थी कि आपने नेशनल चैम्पियनशिप करवानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैलेंज को मैंने और मेरे दोस्तों ने अब्दुल्ला रिंद ने अजमाना नगा ने एक्सेप्ट किया। तो बलूचिस्तान में नेशनल चैम्पियनशिप करवाना मेल पी मेल मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दोस्त थे बड़े साथ मुखलिस थे और मीडिया की फुल सपोर्ट थी, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सपोर्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उस वजह से एक कामयाब चैम्पियनशिप का इनका जो मुमकिन हो सका। इस चैम्पियनशिप में हमारे पास 8 मेल और 8 फीमेल टीमें जो थी उसने शिरकत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन चला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इख्तामी तकरीब हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया जो आप लोग ने 3 दिन लगातार इस टूर्नामेंट को चांद चांद लगाया और खसूसी में अपने सूबाई सदर समीउल्लाह काकर साहब का मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट आज तक बलूचिस्तान में किसी ने नहीं किया है। पहली दफ़ा था ऑल पाकिस्तान किक नेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो समीउल्लाह काकर ने किया, कामयाब टूर्नामेंट था। 3 दिन से आप सब ने देखा कि चलता, आज इसका फाइनल था और फाइनल भी आपने देख लिया और जितने भी मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, सोशल मीडिया था, जो भी था, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पोर्ट डिपार्टमेंट और पाकिस्तान गोल्डन जुबली वालों की जानिब से जो किक बॉक्सिंग फेडरेशन है उनकी, इन्होंने हमें इस टूर्नामेंट से पहले 2-3 दिन आगाह किया था कि टूर्नामेंट शुरू होगा और अब साफियों का, सोशल मीडिया का हमें साथ देना हो गया और हम लोगों ने इनके साथ बाकायदा मीटिंग की थी और हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे और सोशल मीडिया के चैनल्स थे हम उसमें शामिल हुए थे और हमें हमारे जितने साफी थे हम साहब तमाम 3 दिन यहाँ पर कवरेज की और जो माशाल्लाह पहले दिन इनका इफ्तिताही प्रोग्राम हुआ, इसके बाद दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन इफ्तिताही प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारी पूरी निसार साहब के साथ हमारी पूरी टीम शामिल है, जिसमें जो निसार साहब में जनरल सेक्रेटरी अरसलान साहब, रफीक साहब, साहिद फजल शाह, दिलावर साहब, हमारे जितने भी टीम वाले तमाम के तमाम। निसार साहब बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं किक बॉक्सिंग फेडरेशन बलूचिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के इस पुरोकार तकरीब को उन लोगों ने पाए तकमील तक पहुँचाया और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ही लाजमी है यूथ को इंगेज करने के लिए, यूथ को मोटिवेट करने के लिए। हमारे बलूचिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ से बहुत पॉजिटिव मैसेज फैलाया जाता है कि बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान को लोग जिस तरह कंसिडर करते हैं, बलूचिस्तान की हालत वैसा नहीं है, बलूचिस्तान बहुत ही पीसफुल जगह है, लोग यहाँ के माहौल को बहुत ही पसंद करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, आई रियली अप्रिशिएट द पीपल दे बिलोंग फ्रॉम मीडिया, स्पेशली स्मेब सोशल मीडिया एसोसिएशन बलूचिस्तान, कि उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कवरेज दी हुई है।